हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं तुषार शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में MLC चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए हापुड़ पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पहले अध्यक्ष ने फीता काट कर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और उसके बाद पूजा अर्चना की, जिसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते समय स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि BJP पहली बार शिक्षक का चुनाव लड़ रही है और शिक्षकों की समस्या का वह समाधान भी करेंगे। इसके साथ ही उनका साफ तौर पर कहना है कि यूपी में हम चुनाव जीतेंगे। आज आप उद्घाटन करने आए हैं, किस चीज़ का है और क्या आपको लगता है कि आप जीतेंगे या क्या? राज्य के अंदर स्नातक और शिक्षक का चुनाव। एक मिनट भैया, शांति, एक मिनट। पहली बार भारतीय जनता पार्टी स्नातक का तो चुनाव लड़ते थे, लेकिन शिक्षक का पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और जो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता है, उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिक्षक और स्नातक के, शिक्षकों की जो समस्या का समाधान, उनकी समस्याएं जो भी हो, जो हमारे शिक्षक चुनाव लड़ रहे हैं, जीत कर उन समस्याओं का समाधान करते हैं। युवाओं को की भी भूमिका ठीक ढंग से, युवाओं का भी विषय सदन के अंदर उठा सके, इसलिए स्नातक और शिक्षक के चुनाव दोनों ऐसे लड़ रहे हैं और आम जन का समर्थन है। चुनाव राज्य के अंदर गढ़मुक्तेश्वर में 12 लोग जहरीली शराब से पीकर मर गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर आप कहते हैं? देखिए, आदरणीय योगी जी के शासन में जो भी लापरवाही करता है, जो भी जनता की समस्या के समाधान में लापरवाही बरतता है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई में कोई बाधा नहीं पड़ता है। जो दोषी होते हैं उनको दंड मिलता है। अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया, लापरवाही साफ दिख रही है, जिला प्रशासन। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।